उमरिया जिले के करकेली व मानपुर ब्लॉक में संपन्न हुए दो जनपद पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में एक भाजपा और एक निर्दलीय प्रत्याशी की जीत हुई। मानपुर जनपद पंचायत में भाजपा की ममता सिंह तो करकेली की निर्दलीय प्रत्याशी प्रियंका सिंह जनपद अध्यक्ष बनी। नव निर्वाचित जनपद अध्यक्ष ममता सिंह ने अपनी जीत का श्रेय आमजनों को दिया और क्षेत्र के विकास की बात कही। वहीं करकेली के अध्यक्ष प्रियंका सिंह और उनके पति ने कहा कि वह किसी पार्टी की नहीं है, वह जनता की सेवक बनकर काम करेंगे। जनजातीय कार्य मंत्री मीना सिंह ने भाजपा समर्थित उम्मीदवार की जीत पर बधाई देते हुए कहा कि यह मानपुर के नगरवासियों की जीत है। मानपुर में नव निर्वाचित जनपद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के साथ मंत्री मीना सिंह विजय जुलूस में शामिल हुई। गौरतलब है कि करकेली में जनपद उपाध्यक्ष पद पर बीजेपी की पूनम साहू ने कब्जा जमाया। जानकारी के मुताबिक करकेली में प्रियंका सिंह को 15 मत प्राप्त हुए, वहीं पूनम सिंह को 10 मत प्राप्त हुए। यहां 25 सदस्य शामिल होकर अपना प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक मानपुर में कांग्रेस समर्थित जनपद अध्यक्ष की दावेदार रोशनी सिंह अपने 12 सदस्यों के साथ जनपद कार्यालय नहीं पहुंच सकी थी, जिससे भाजपा की तरफ से दावेदारी कर रही ममता सिंह जनपद अध्यक्ष बनी। ममता सिंह नाम है मेरा, मैं सबके सहयोग से मुझे जनपद अध्यक्ष का पद मिला। मैं अपने क्षेत्र का विकास करना चाहती हूँ। आप कौन सी पार्टी बिलोंग करती हैं? क्योंकि आप निर्विरोध निर्वाचित हुई हैं, क्या मंशा है आपकी, किस पार्टी को आपका झुकाव? अपनी सबके साथ है, जनता के साथ है। पहला लक्ष्य क्या रहेगा? विकास। मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, मेरा सब लोगों ने सहयोग किया है और तब वो जीती हैं। और 29 के बाद जिला पंचायत के चुनाव के बाद मैं बताऊंगा कि किस पार्टी में मुझे जाना है, क्या करना है, क्या नहीं। अभी जो कांग्रेस की गलियारन चलता है, क्या आप कांग्रेस से नहीं? नहीं नहीं, कांग्रेस वालों ने भी, बीजेपी वालों ने, सब लोगों ने मिल के बनाया है अध्यक्ष, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब आप दोनों पार्टी के मिले जुले कैंडिडेट थे? ऐसा नहीं है, हम निर्दलीय हैं जी। मैं अपने मानपुर विकास खंड के सभी आम नागरिकों को बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहती हूँ, और जो विजय प्रत्याशी हैं ममता सिंह जी, उनको भी अपनी ओर से, संगठन की ओर से, उनको भी बहुत बधाई देना चाहती हूँ। और ये व्यक्ति की जीत नहीं है, ये कहना चाहिए पूरे विकासखंड की जनता की जीत है, और मैं उन सभी को बधाई देती हूँ। थैंक यू। उमरिया से दीपू त्रिपाठी की रिपोर्ट।